हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और इस बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल दोनों पहलवानों ने कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा होने से पहले कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की है। सिर्फ इतना ही नहीं, विनेश और पुनिया के कांग्रेस से दोस्ती के कई ऐसे पल देखे गए हैं जिससे ये संकेत माना जा रहा है कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बात का अंदाजा आप कुछ बातों से लगा सकते हैं। पिछले साल 2023 से चल रहे पहलवानों के विरोध का कारण WFI के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह थे। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप में लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया था। उस समय से ही पहलवानों की बीजेपी से नाराजगी साफ देखी जा रही थी। इसके अलावा जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से वतन वापस आई थी तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें खुद दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बलाली पहुंचने तक विनेश और बजरंग पुनिया के साथ दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेस नेता शामिल रहे थे। इन सब के बीच हाल ही में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की। एक दो दिन में कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। वहीं कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले पहलवानों की ये मुलाकात इस बात के संकेत और मजबूत कर रही है कि पहलवान फोगाट और पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतर सकते हैं। जब चुनाव कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं से ये सवाल किया गया था कि क्या विनेश फोगाट भी पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं, तो इस बात का जवाब ना देकर कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा था कि एक दो दिन में सारा फैसला हो जाएगा। गौरतलब है कि विनेश फोगाट ने बीते शनिवार किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों के प्रति अपने समर्थन व्यक्त किया और शंभू और खनोरी बॉर्डर पहुंची। इस दौरान विनेश से ये सवाल किया गया था कि क्या वे चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। इस पर पहलवान ने जवाब दिया कि वे राजनीति के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन किसानों का पूरी तरह से समर्थन करती हैं। अब सवाल ये है कि अगर विनेश और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ते हैं तो कहाँ से। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बजरंग पुनिया को बादली सीट से टिकट मिल सकता है। विनेश फोगाट अगर लड़ती हैं तो उन्हें कांग्रेस बारड़ा या जुलाना से टिकट दे सकती है। बारड़ा उनका घर है तो वहीं जुलाना ससुराल है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और MP छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।